मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों की रोकथाम के लिए जबलपुर के प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया ने आपदा प्रबंधन समिति की बैठक ली, जिसमें कांग्रेस के पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया व तरुण भनोट प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते नजर आए। जबलपुर में प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया ने आपदा प्रबंधन समिति की बैठक ली, जिसमें जबलपुर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ जबलपुर के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जबलपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए जनप्रतिनिधियों से सुझाव भी प्रभारी मंत्री ने लिए। वहीं कांग्रेस के विधायक लखन घनघोरिया व तरुण भनोट ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण में लगाम लगाने में प्रदेश सरकार विफल साबित हुई है और अब जल्द ही सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए, क्योंकि लगातार प्रदेश भर में कोरोना वायरस संक्रमण से लोगों की जान जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा ऑक्सीजन वेंटिलेटर व दवाइयों को सही समय पर नहीं पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि प्रदेश में मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। ये आपदा विश्वव्यापी है, अभाव भी सबको मालूम है कि सरकार फेल हो गई। क्राइसिस मैनेजमेंट नाम है, यदि मैनेजमेंट बेहतर हो जाए तो हम इस आपदा से लड़ सकते हैं, लेकिन जितनी गंभीरता दिखना थी उतनी गंभीरता दिखी नहीं है। हालात बद से बदतर हो गए हैं। हम लॉकडाउन सख्ती से करें, चैन को तोड़ें, ये हमारी प्राथमिकता तो होगी, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता भी उस तबके के लिए है जो तबका कोरोना से तो बच रहा है लेकिन भूख से मर रहा है। रोज कमाने खाने वाला तबका, उसकी भी साधन व्यवस्था करें। खाद्यान्न आपूर्ति सिर्फ बीपीएल कार्ड धारकों को नहीं, जिनके कार्ड नहीं बन पाए और वो सूची में आते हैं उनको भी कम से कम सरकार खाद्यान्न दे। कम से कम ऐसा तबका जो रिक्शा चलाता है, बोझा ढोता है, बर्तन मांजता है, कपड़े धोता है, जो डेली रोज कमाता खाता है, कम से कम उसकी चिंता भी सरकार को करना पड़ेगी। झुग्गी झोपड़ी में लगभग 20-25 दिन से लोग घर में खाना पीना नहीं है, ये हमारी प्रतिबद्धता है। ये हमने इस बात को उठाया है कि आप लॉकडाउन बढ़ाएं, लेकिन कोरोना से बचाने के लिए भूख से नहीं मार सकते। तो सरकार मानते हैं ना, सरकार का कहना है कि हम इसको गंभीरता से लेंगे। कितनी गंभीरता से लेते हैं देखते हैं, यदि वो बढ़ाते हैं तो बहुत बढ़िया, हमारा सहयोग है। और हम तमाम कांग्रेस के विधायक इस बात में प्रतिबद्ध हैं कि हम जनसेवा के लिए चुने गए हैं, हमारी प्रतिबद्धता जनता के प्रति है। हम जनता की किसी भी प्रकार की परेशानी, चाहे वो अस्पताल से संबंधित हो, दवाई, ऑक्सीजन, इंजेक्शन, हम अपनी विधायक निधि से तो कर भी रहे हैं और निजी प्रयासों से भी कर रहे हैं, लेकिन बेहतर से बेहतर स्थितियां बने, कहीं चीन चीन के काम ना हो, निष्पक्ष रूप से हम सेवा भाव से इस चुनौती को स्वीकार करें और इस चुनौती से लड़ें। सर, एक चीज़ और पूछना था, जैसे आप लोग बैठक करते हैं, मैं मीडिया के पर्सन लोग आते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है, इस पर आप कुछ राय देंगे? हम लोग अंदर बैठे हुए थे वहाँ पे, हम लोग को बाहर कर दिया गया। जब आप अपनी जन समस्या सुना रहे हैं तो ये प्रोटोकॉल का अपना एक नियम है और मैं समझता हूँ कि ये कोई मुद्दा नहीं है। ये क्या मांगे रखी है और क्या समस्या? ये बात मांगों की नहीं है, अब क्या मांगे, जब लोगों की मृत्यु हो रही है, दम तोड़ रहे हैं, सांसें उखड़ रही हैं, ये सब कुछ सब पता है क्या हो रहा है। अब हम मांग रखें, उसके ऊपर विचार हो, ये समय ही नहीं है। मैंने तो बैठक में ये कहा, हमने तैयारी नहीं की, हमने लोगों को छोड़ दिया उनके हाल पर, ये सरकार की गलती है। जितनी तेज़ी से तैयारी वापस हो सकती है करें, ये बैठकें और सुझाव का समय नहीं है। ठीक कर, गलतियाँ दिखाई आपने, सारी गलतियाँ। कोविड की जब दूसरी लहर आई, आप ये बताइए ना, ऑक्सीजन के बेड बढ़े, ना दवाई की व्यवस्था हुई, ना इंजेक्शन की जगह है, ना वेंटिलेटर बढ़े, तो क्या कहाँ लोग इलाज कराए? हम क्या लोगों को ये हादसे में मृत्यु हो जाना, दुर्घटना में मृत्यु हो जाना, गंभीर बीमारी से जब लाइलाज हो मृत्यु हो जाना अलग बात है, पर अगर इस प्रकार से मृत्यु होंगी जो ठीक हो सकते हैं तो ये तो हत्या है, ये इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता। हम क्या लोगों को बोले कि क्या सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही? एक साल मिला था, दिया जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, ताली बजाइए और एक साल बाद अपने सामने चिता जलवाइए,
पूरी तरह से विफल हो गई सरकार। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासनों में मैं विश्वास नहीं करता, मैं अपनी बात बोलकर आया हूँ, जो मुझसे बनेगा जन सहयोग लेकर, अपने मित्रों का साथ लेकर, परिवार का साथ लेकर, हम तो पीड़ित मानवता की सेवा करेंगे तन मन और धन से। कोविड कम नहीं हो रहा, आप लोगों को क्या सुझाव है, क्या करना चाहिए? अरे भाई, लोगों को इलाज मिलना चाहिए, सही चीज़ बताना चाहिए, ये ताली नहीं बजवाना चाहिए, ये थाली नहीं बजवाना चाहिए, ये दिए नहीं जलवाना चाहिए, अस्पताल का इंतजाम करना चाहिए, ऑक्सीजन का इंतजाम करना चाहिए, वेंटिलेटर का इंतजाम करना चाहिए, दवा का इंतजाम करना चाहिए, और लोगों को धैर्य रखने के साथ सिर्फ सलाह भर नहीं देना चाहिए, काम भी करना चाहिए सरकार को।